हाय फ्रेंड, कैसे हो आप। आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। मेरा घर का कबूतर के लिए मिट्टी बना रहा था, सोचा इस मिट्टी को आपके साथ भी शेयर करता हूँ। मिट्टी बनाने के लिए मैंने ईटा का डस्ट 15 किलो करीब लिया, उसके साथ मिक्स करेंगे अंडे का छिलका। उस अंडे का छिलका डाल दो उसको, उसके बाद ब्लैक पेपर, उसके बाद मिक्स करेंगे मुल्तानी मिट्टी, उसके बाद मिक्स करेंगे अजवाइन पाउडर, उसके अंदर डालेंगे आधा किलो हल्दी, उसके अंदर डालेंगे हनी शहद 250 ग्राम, उसके बाद डालेंगे ब्लैक सॉल्ट 1 किलो, उसके बाद डालेंगे जिंजर पाउडर जिसको हिंदी में शॉट कहते हैं, शॉट, उसके साथ मिक्स करेंगे चूना 1 किलो चूना, अभी आपको मिक्स करके दिखाता हूँ। हाय फ्रेंड, अभी मिट्टी मिक्स करके आपके साथ बताता हूँ। पहले अंडे का छिलका डाल देते हैं, ये तकरीबन आधा किलो करीब है अंडे का छिलका, उसके बाद डालते हैं ब्लैक पेपर, उसके बाद मुल्तानी मिट्टी, अजवाइन पाउडर, हल्दी पाउडर, उसके बाद हनी को मिक्स करके डालेंगे गर्म पानी में, थोड़ा मिक्स करके फिर डालना पड़ेगा इसको। हाँ, हनी को थोड़ा गर्म पानी में मिक्स कर लिया, उसको पूरा डाल देता हूँ। उसके बाद डालेंगे ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट 1 किलो करीब है, ब्लैक सॉल्ट डाल दिया, उसके बाद डालेंगे जिंजर पाउडर, जिंजर पाउडर 100 ग्राम का 2 पैकेट है, एक्चुअली डालना चाहिए 250 ग्राम, अगर पैकेट नहीं मिला तो इसलिए 200 ग्राम करीब डाला। साथ साथ में क्वांटिटी भी देख लेना कितना डाल रहा हूँ। इसके बाद डालेंगे चूना, खाने वाला चूना है 1 किलो करीब है, पूरा 1 किलो इसके साथ अभी पूरा मिक्स कर देंगे। अभी मिक्स करके बताते हैं कैसे।
हाय फ्रेंड, ये मिट्टी बन के रेडी हो गया। अभी मेरा घर के लिए तो एक साल के लिए मैंने बना लिया हूँ। बहुत अच्छा मिट्टी है, कबूतर को कभी डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। हफ्ते में 2 दिन खिलाने से भी बहुत अच्छा है और ख़राब भी नहीं होता है। एक साल तक तो मैं इसी को चलाऊँगा। एक साल के लिए आप सभी के लिए छोटा सा एक वीडियो लेके आया था। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।